हेलो टीचर्स, 1 मिनट वीडियो की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज जो अभी मार्केट बंद हो चुका है और अभी जो निफ्टी बंद हुआ है वो हुआ है 107 पॉइंट ऊपर, जो है 19,753। और वहीं बैंक निफ्टी जो बंद हुआ है वो हुआ है 183 पॉइंट ऊपर। और इसमें आज बैंक निफ्टी से अच्छा परफॉर्मेंस निफ्टी का रहा, उस निफ्टी को अच्छा खींचने में जो आगे रहा वो रिलायंस और आईटी सेक्टर पूरा का पूरा, एलटीबी ऊपर ही था। टाटा स्टील का काफ़ी अच्छा आज मूव किया, यहाँ देख सकते हैं आप 2.5% का मूव टाटा स्टील ने दिखाया है यहाँ पे। तो एक काफ़ी अच्छा शुरू का हाफ थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं था मार्केट के लिए, लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में बहुत अच्छी एक रिकवरी यहाँ से मार्केट ने दिखाई है। अगर मैं निफ्टी भी आपको दिखाऊँ, निफ्टी सुबह से ही स्ट्रांग था, ऐसी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी, निफ्टी सुबह से ही स्ट्रांग था मोमेंट में। और ये देखिए, यहाँ निफ्टी खोलने के बाद यहाँ निफ्टी खोला और इसको फिर दिन भर इसी रेंज में यहाँ ये ट्रेड करता रहा। और जैसे इसने ये शाम के टाइम पे ही बहुत अच्छा मूव लिया। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी 183 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी में काफ़ी मोमेंट बड़ा ऊपर नीचे का, लास्ट आवर में काफ़ी ज़्यादा मोमेंट बैंक निफ्टी ने किया यहाँ पे। तो कुछ पोजीशन मेरे द्वारा यहाँ पे बैंक निफ्टी में बनाई गई हैं, जिनको मैं होल्ड करके कल के लिए लेके भी जा रहा हूँ। क्योंकि आज जिस तरीके से निफ्टी ने एक अच्छा यहाँ से अपना ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी अच्छी पोजीशन में जाके बंद हुआ है, तो एक होप है कि कल बैंक निफ्टी भी इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। क्योंकि एक आज केवल कोटक को छोड़ के बाकी सभी बैंक प्लस में ही रहे, और लास्ट में ICICI बैंक ने भी काफ़ी अच्छा एक मूव यहाँ पे दिखाया, क्योंकि सुबह काफ़ी नीचे था। तो सुबह से थोड़ा अच्छे मूड में आया ICICI बैंक भी, तो और रिजल्ट भी बैंक्स के अच्छे ही आ रहे हैं। तो इसी होप में मैंने कुछ पोजीशन कल के लिए कैरी फॉरवर्ड की हैं, तो होप कि अच्छा रहे कल का दिन, कल ओपनिंग अच्छी मिल जाए। तो चलिए आज का मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज की जो पोजीशन हमारी थी वो मैंने एक पुट साइड में पोजीशन बनाई थी, जिसमें मेरे को 1300 रुपये का लॉस हुआ है। और 1300 रुपये का लॉस हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और सिमिलरली फिर उसके बाद मैंने 4500 की कॉल में एक पोजीशन बनाई, जिसमें मेरे को 2600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल लगभग 1300 रुपये का मुझे यहाँ पे आज प्रॉफिट हुआ है। और ऊपर मैंने कुछ एक पोजीशन आपको दिख रही होगी, 45600 की कॉल, ये मैं कल के लिए कैरी करके ले जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मिटाया हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। और 20,000 से जो हमारा ये चैलेंज चल रहा है, 20,000 से जो हमारा ये चैलेंज चल रहा है एक ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो 50 दिन तक लगाता रहेगा, उसका आज ये 7वां दिन था। और 7वें दिन आज 1300 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है अभी तक। तो देखते हैं कैसे करके इसको आगे हम ले जाते हैं धीरे धीरे, किस तरीके से इसको आगे ले जाते रहते हैं। और बाकी एक न्यूज़ सभी को अब तो खैर पता भी चल गई होगी कि सेबी द्वारा कुछ और नए रूल्स निकाले जा रहे हैं हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए, कि हम फिर से यहाँ पे अपनी पोजीशन मतलब ट्रेडिंग ना कर पाएं फ्यूचर ऑप्शंस में। तो देखते हैं क्या अमेंडमेंट करती है सेबी और क्या क्या नए रूल हमारे ऊपर थोपे जाते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। और अभी तक मेरा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और प्लीज़ ट्रेडर्स कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करने से थोड़ा सा एक मोटिवेशन मुझे मिलता है
कि मैं किस तरीके से आगे को ग्रो करूंगा, और बाद में हो सकेगा तो किसी दिन आपको मैं अपना जो मेरा मेन अकाउंट है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ उसको भी दिखाऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू।